राजहंस या राजहंस फोनिकोप्टेरिडे परिवार में एक प्रकार के लुप्तप्राय पक्षी हैं, जो फोनिकोप्टेरिफोर्मिस क्रम में एकमात्र मौजूदा परिवार है। राजहंस की 4 प्रजातियां पूरे अमेरिका, कैरिबियन सहित में वितरित हैं और 2 प्रजातियां एफ्रो यूरेशिया की मूल निवासी हैं। फ्लेमिंगो नाम पुर्तगाली या स्पेनिश फ्लेमिंगो, फ्लेम कलर्ड से आया है, जो बदले में प्रोविंकल फ्लेमिंग से आया है, फ्लेमा, फ्लेम और एक जर्मनिक जैसे प्रत्यय, इनका संयोजन। ये शब्द स्पेनिश जातीय नाम फ्लेमिंगो, फ्लेमिंग या फ्लेमिश से भी प्रभावित हो सकता है। जीनस का नाम फोनिकोप्टेरिस, ग्रीक फोनिकोप्टेरोस, शाब्दिक अर्थ से लिया गया है। क्रिम्सन, लाल पंख वाले, अन्य प्रजातियों के नामों में फोनिकोनेस शामिल है, जिसका अर्थ है क्रिम्सन, लाल जल अप्सरा या नाइड, और फोनिकोपेरिस, जिसका अर्थ है क्रिम्सन, लाल पक्षी। हालांकि शगुन का एक अज्ञात पक्षी 1831 में फ्रांसीसी प्राणी विज्ञानी चार्ल्स लुसियन बोनापार्ट द्वारा फोनिकोप्टेरिडे परिवार की शुरुआत की गई थी, जिसमें फोनिकोप्टेरिस एक प्रकार का जीनस था। परंपरागत रूप से लंबे पैरों वाले सिकोनिफोर्मेज, संभवतः एक पैराफाइलेटिक संयोजन, को राजहंस के सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है और परिवार को इस क्रम में शामिल किया गया था। आमतौर पर इस क्रम में ट्रेस्क्योरनिथिडे के इबिस और स्पूनबिल्स को उनके सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता था। चार्ल्स सिबिली और उनके सहयोगियों जैसे पहले के आनुवंशिक अध्ययनों ने भी इस रिश्ते का समर्थन किया था। जलपक्षी के साथ संबंधों पर भी विचार किया गया, विशेष रूप से राजहंस एनोटिकला जीनस के पंख जू द्वारा परजीवी होते हैं, जो अन्यथा विशेष रूप से बत्तखों और हंसों पर पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रेसबोर्निथिड्स का उपयोग राजहंस, जलपक्षी और जलपक्षी के बीच घनिष्ठ संबंध के लिए तर्क देने के लिए किया गया था। 2002 के एक पेपर ने निष्कर्ष निकाला कि वे जलपक्षी हैं, लेकिन 2014 में पक्षी समूहों के एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि राजहंस और ग्रेब्स जलपक्षी नहीं हैं, बल्कि कबूतर, सैंडग्राउस और मेसाइड्स के साथ कोलंबिया का हिस्सा हैं। राजहंस आमतौर पर एक पैर पर खड़े होते हैं और दूसरे पैर को शरीर के नीचे छिपाकर। इस व्यवहार का कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। एक सिद्धांत यह है कि एक पैर पर खड़े होने से पक्षियों को शरीर की अधिक गर्मी को संरक्षित करने की अनुमति मिलती है, ये देखते हुए कि वे ठंडे पानी में काफी समय बिताते हैं। हालांकि यह व्यवहार गर्म पानी में भी होता है और उन पक्षियों में भी देखा जाता है जो आमतौर पर पानी में खड़े नहीं होते हैं। एक वैकल्पिक सिद्धांत यह है कि एक पैर पर खड़े होने से एक पैर पर खड़े होने और संतुलन बनाने के लिए मांसपेशियों के प्रयास के लिए ऊर्जा व्यय कम हो जाता है। शवों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक पैर वाली मुद्रा में बिना किसी मांसपेशीय गतिविधि के भी काम किया जा सकता है, जबकि जीवित राजहंस एक पैर वाली मुद्रा में काफी कम शारीरिक गति प्रदर्शित करते हैं। भोजन को नीचे से हिलाने के लिए मिट्टी। राजहंस सक्षम उड़ने वाले होते हैं और कैद में राजहंस को भागने से रोकने के लिए अक्सर पंख कतरने की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी राजहंस का एक जोड़ा, जिसके पंख अभी तक काटे नहीं गए थे, 2005 में विचिटा, कैंसस चिड़ियाघर से भाग गया था। एक को 14 साल बाद टेक्सास में देखा गया था। इसे पहले टेक्सास, विस्कॉन्सिन और लुइजियाना में पक्षी प्रेमियों द्वारा देखा गया था। युवा राजहंस भूरे लाल पंखों के साथ निकलते हैं, लेकिन जलीय बैक्टीरिया और उनके भोजन की आपूर्ति से प्राप्त बीटा कैरोटीन के कारण वयस्कों का रंग हल्के गुलाबी से लेकर चमकीले लाल तक होता है। एक अच्छी तरह से पोषित स्वस्थ राजहंस अधिक चमकीले रंग का होता है, इस प्रकार एक अधिक वांछनीय साथी होता है। हालांकि सफेद या पीला राजहंस आमतौर पर अस्वस्थ या कुपोषित होता है। कैप्टिव राजहंस एक उल्लेखनीय अपवाद है। पर्याप्त रूप से पोषित होने पर भी अगर उन्हें जंगली स्तर के बराबर कैरोटीन नहीं दिया जाता है तो वे हल्के गुलाबी रंग में बदल सकते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की 6 अलग अलग प्रजातियों में सबसे लंबा है। इसकी ऊंचाई 3.9 से 4.7 फीट, 1.2 से 1.4 मीटर और वजन 7.7 पाउंड, 3.5 किलोग्राम तक होता है। और सबसे छोटी फ्लेमिंगो प्रजाति जितनी कम की ऊंचाई होती है 2.6 फीट, 0.8 मीटर और वजन 5.5 पाउंड, 2.5 किलोग्राम है। राजहंस के पंखों का फैलाव 37 इंच 94 सेमी जितना छोटा से लेकर 59 इंच 150 सेमी तक बड़ा हो सकता है। राजहंस ऊपरी जबड़े को ऊपर उठाने के साथ साथ निचले जबड़े को गिराकर भी अपनी चोंच खोल सकते हैं।